एक रिक्शा मेरा आया, मेरी कार के थोड़े आड़े आई। अब उसके अंदर से दो से तीन लोग निकले। अब उसके अंदर एक साइड में खड़ा, उसके बाद शाहिद मेंढा भी पीछे से आया। फिर सारे लोग है ना उधर मेरी गाड़ी पे पथराव करने लगे, और पथराव इस तरह करने लगे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जान से मार देंगे। जिस तरीके से मुझ पर हमला हुआ, आप गाड़ी देख सकते हो, गाड़ी के ग्लास कितना। अब ये जो चीज़ है, ये मैं कुछ समाज के, हमारी कौम के काम रहते हैं, तो मैं कपिल पाटिल साहब के इधर जाता हूँ, कुछ हमारी कौम का काम हो जाता है, और साथ ही साथ उसको थोड़ा जलन हसद हो गई कि ये लोगों का काम इधर से कैसे कर रहा है। और साथ ही साथ ये जो शाहिद मेंढा है, ये सब आप सभी लोग जानते हैं, पूरा भिवंडी उसके बारे में जानता है, वो किस तरीके से हमारी कौम की नस्लों को ख़राब कर रहा है। जिस तरीके इमाम अंसारी के ऊपर हुआ जानलेवा हमला, ऑटो रिक्शा में आए चार अज्ञात लोगों ने गाड़ी पर किया पथराव, गाड़ी हुई बुरी तरह से डैमेज। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे द माइक। शिवसेना के भिवंडी उप शहर प्रमुख और समाज सेवक इमाम अंसारी के मुताबिक कल 16 जून को केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के निवास पर इमाम अंसारी और शाहिद रफीक कुरैशी उर्फ शाहिद मेंढा की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद 16 जून की शाम करीब 7 से 8 बजे के दरमियान मानकोली नासिक हाईवे पर कुछ लोगों ने ऑटो रिक्शा में आकर इमाम अंसारी की कार पर अचानक से पथराव कर दिया, जिसमें गाड़ी तो बुरी तरह से तहस नहीं सुनी, साथ ही इमाम अंसारी भी जख्मी हो गए। वहीं मौके पर शाहिद मेंढा भी मौजूद था, जिसके बाद इमाम अंसारी ने भिवंडी के नारपोली पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। भिवंडी की नारपोली पुलिस ने IPC की धारा 341, 143, 149, 149, 146, 346, 437, 504, 504, 504, 504, 504 के तहत शाहिद मेंढा और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही मामले की जांच। क्या कहा इमाम अंसारी ने, देखिए इस वीडियो में। क्या कहेंगे आपके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है, उसकी क्या हकीकत है, थोड़ा सा बयान करेंगे? कल 15 जून को मैं केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब के निवास में गया था। उधर मेरा कुछ काम था लोगों का, तो उधर काम के सिलसिले में गया था, और उधर काम में होने के बाद करीब करीब 10:45 बजे मैं उधर से निकला, और वहाँ शाहिद मेंढा भी मौजूद था। उधर थोड़ी सी बात में मेरी कहा सुनी हुई उससे, तो तू में भी थोड़ी हो गई उससे। अब उसके बाद में वो उधर से निकल गया, तो उसके 15-20 मिनट के बाद मैं उधर से निकला। अब जैसे निकलने के बाद, अब मैं फ्लाईओवर जैसे चढ़ा हूँ, उसके थोड़ा सा आगे गया हूँ, तो मिनी पंजाब ढाबे से थोड़ा पहले तो एक रिक्शा मेरा आया, मेरी कार के थोड़े आड़े आई। अब उसके अंदर से दो से तीन लोग निकले। अब उसके अंदर एक साइड में खड़ा, उसके बाद शाहिद मेंढा भी पीछे से आया। फिर सारे लोग है ना उधर मेरी गाड़ी पे पथराव करने लगे, और पथराव इस तरह करने लगे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जान से मार देंगे। जिस तरीके से मुझ पर हमला हुआ, आप गाड़ी देख सकते हो, गाड़ी के ग्लास कितना कैसा रहता है, उस तरीके से कितना इधर पथराव किया गया। फिर उसके बाद बाजू वाला जो ग्लास है उसको तोड़ा गया, अपना दरवाजे भी पथराव किया गया। और 13 जून को मेरा और शाहिद मेंढा का वही कपिल पाटिल साहब के निवास पे थोड़ा तूतू मैं झगड़ा हुआ था उधर। अब उसमें सुमित पाटिल साहब ने उसमें बीच बचाव करके वो उसको ख़त्म किया था, तो मुझे यही लगा कि ख़त्म हो गया सारी चीज़ें। अब ये जो चीज़ है, ये मैं कुछ समाज के, हमारी कौम के काम रहते हैं, तो मैं कपिल पाटिल साहब के इधर जाता हूँ, कुछ हमारी कौम का काम हो जाता है, और साथ ही साथ उसको थोड़ा जलन हसद हो गई कि ये लोगों का काम इधर से कैसे कर रहा है। और साथ ही साथ ये जो शाहिद मेंढा है, ये सब आप सभी लोग जानते हैं, पूरा भिवंडी उसके बारे में जानता है, वो किस तरीके से हमारी कौम की नस्लों को ख़राब कर रहा है। जिस तरीके से नशे की लत हो या कोई गलत आदत हो, हर इंसान उसको जानता है क्या है क्या नहीं। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, जिस तरीके से मैं नारपुलिस पुलिस स्टेशन में पहुँचा हूँ कल, और मुझे बल्लाड साहब से मेरी बात हुई, उधर के सीनियर जो है, और साथ ही साथ चौहान साहब से मेरी बात हुई, और मेरा FIR उधर रजिस्टर किया गया। और मुझे पुलिस से बहुत उम्मीद है कि मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंसाफ मिलेगा उधर, क्योंकि आज अगर मेरे ऊपर, उप शहर प्रमुख हूँ मैं शिवसेना पार्टी का,
मेरे ऊपर इस तरीके से हमला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मैं आगे भी लेके जाऊंगा, सीएम साहब तक भी लेके जाऊंगा कि इस तरीके से जो हमला है ये आने वाले फ्यूचर में भी हो सकता है मेरे ऊपर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि डीसीपी साहब को ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो एक्टिविटी, ये जो एफआईआर हुआ है, इसके ऊपर ज़रा गौर फिक्र करें। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये लोग हादसा करते हैं, जिनको ये मारते हैं पीटते हैं, और ये लोग जाके एफआईआर करने नहीं जाते, या एफआईआर करने जाते हैं तो इनके कुछ आते हैं वकील बन के और उधर से पुलिस स्टेशन से लेके जाते हैं। मुझे बोला जा रहा है कि तुमको गाड़ी का पूरा पैसा दिया जाएगा, 5 लाख रुपया दिया जाएगा, आप ये एफआईआर रजिस्टर मत करो। बहुत कन्विंस किया गया, मगर मैं बोला कि मेरे को मेरी जान से बड़ी कोई कीमत नहीं है। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी और के साथ हो सकता है मेरे साथ वापस से रिपीट हो ये सारी चीज़ें। तो मैं आपसे और पुलिस डिपार्टमेंट से यही उम्मीद करूंगा कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र।